इसलिए कर रहा हूँ कि ये गाड़ी सबसे अनोखी गाड़ी रहने वाला है जो हम दिखाने जा रहे हैं, वो फर्स्ट टाइम इन इंडिया है। दिखाते हैं एक चीज, अभी तो फ्रंट से मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, साइड से देख लो कि अभी एक कैमरा देख के आप समझ गए होंगे क्या। पहले तो इसकी इंटीरियर पे ध्यान देना कि बिल्कुल एक बेसिक सी इंटीरियर है। तो ये इसके कुछ सीट कवर्स रहने वाले हैं, ये स्कॉर्पियन वाले लुक दिया हूं। तो इसी के डिजाइन से हम डाले यहाँ पे, ठीक है, मतलब ओरिजिनल S11 की स्क्रीन हमने हटा दी। फंक्शन आ चुका है, अंदर दिखाने जा रहा हूँ 360 जो फर्स्ट टाइम इन इंडिया 360 पैन ये आ गया। अब इसके अंदर हम गए 2D में, चलो ये वर्ड व्यू, चलो ये जो इंडिकेटर देंगे हम उस साइड का। हाँ ये लो राइट साइड की, मैंने कर दिया राइट साइड कर दिया, तो राइट साइड गाड़ी अपने पिछवाड़ा को उधर मोड़ लिया। तो देखते हैं चामुंडा भैया ने और क्या करो वो इसके अंदर। ये देख सकते हैं वायरलेस चार्जर फर्स्ट टाइम इन इंडिया स्कॉर्पियो के अंदर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आए थे चामुंडा भैया के पास। बढ़िया, आज क्या दिखा रहे हो? स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियो क्लासिक, ठीक है। आज तो अपने पास S11 भी है, S11 भी है, दोनों दिखाऊंगा। S11 में क्या काम हो रहा है, क्लासिक में क्या हो रहा है, ठीक है, दोनों की फर्क आपको मैं दिखा दूंगा। और यहाँ पे N भी देखने को मिलेगा, N भी खड़ी हुई है अपने पास, Z4 ठीक आ रहा है। वैसे टोटल कितनी आ रखी है स्कॉर्पियो आज? टोटल स्कॉर्पियो 5 है, 5 है, ठीक है। दिखाते हैं, ये भी बेस मॉडल है क्लासिक S, आगे भी खड़ी हुई है। जो मेन रहने वाली आज कौन सी है अपनी? ये भी बेस मॉडल तैयार हो रही है पूरी कम्प्लीट। एक ये S11 खड़ी हुई है, उसके साथ एम्पलीफायर लगना है इसके अंदर, और कैप्टन सीट है इसलिए एम्पलीफायर डाल के मैं स्पीकर अच्छे वाला डाल रहा हूँ जो बिना बुफर के साउंड अच्छा आ जाए। 360 कैमरा देख सकते हो इधर फिटिंग हो गया, इसका अभी अंदर जाना बाकी है, और इसका पूरी इंस्टॉलेशन अभी थोड़ी कंप्लीट होना बाकी है। ठीक है, तो स्कॉर्पियो के अंदर 360, हाँ, अभी तक दिखाया नहीं किसी ने? नहीं, स्कॉर्पियो के अंदर नहीं दिखाया, बाकी नहीं दिखाया। तो स्कॉर्पियो के अंदर आज बहुत अच्छी चीज़ दिखने वाली है हमें, 360। हाँ, और एक राजस्थान से आया, एक ये भी आ रखी है, मतलब स्कॉर्पियो सारी फुल स्कॉर्पियो से भर दिया। अभी अभी अंदर भी है, अंदर दिखाते हैं। सो अंदर भी दोनों बेस मॉडल है, बेस मॉडल, ठीक है, दोनों क्लासिक S है। ये जो मेन रहेगी आज कौन सी है? ये ठीक है, सेम काम है, ठीक है। मेन हम दिखाने वाले हैं ये, क्योंकि अभी पैक नहीं हुई ये, डैम्पिंग करी हम अंदर, अभी होने अभी और बचा हुआ थोड़ी बहुत, स्पीकर लग गया, ठीक है। पावर बास के कंपोनेंट रहने वाला जो कि पेपर कोन स्पीकर होता है, इसकी लाउडनेस इतनी अच्छी है, लाउडनेस वोकल इतनी अच्छी है, मैं किसी भी स्पीकर से इसको कंपेरिजन अगर करूँ इस रेंज के अंदर तो बाकी इसके टक्कर में नहीं आता। अच्छा, मतलब इम्प्रूवमेंट करी हमने साउंड में भी। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो अंदर से एक बार कंडीशन दिखा देते हैं। ये अपना फ्रेम लगने वाला है जो कि S11 के अंदर आता है सेम, और अंदर की कंडीशन देख सकते हैं अभी। तो एक बार सारा काम हो जाए उसके बाद दिखाते हैं। तो इंटीरियर में चलते हैं अब इसके। तो आप देख सकते हो XUV में बोल रहा हूँ यार, क्योंकि हमारी वेनम वाली चैनल पे ना हमेशा XUV आता है, XUV याद आ गया। हाँ, तो कोई बात नहीं, वो भी आ गया। तो अपनी स्कॉर्पियो के अंदर देख सकते हो डोर पैनल, ये धमाका चालू है, ठीक है। बेस मॉडल में हमने S11 वाली डोर पैनल, ये चालू है धमाका, ये नहीं हमने एक लगा दिया, कंटिन्यू है स्टॉक पूरा। साथ में सीट कवर देख सकते हो, कुछ एक अलग चीज लगा है, सीट कवर की क्वालिटी देख सकते हैं, ये कुछ अलग लगा दिख रहा है, वाइन कलर, वाइन सिंबल है, वाइन कलर। सोनू भाई को रात होते हैं ना वाइन के, याद आ गया सारे 10 बजे। सच है सोनू भाई? ठीक है, तो अंदर से इसमें क्या क्या कर रहा है? सबसे बड़ी बात है AC की क्रोम देख सकते हो, AC क्रोम लगा हुआ है इसके अंदर। मीटर अगली बार में लगेगा भाई का, मीटर भी है अपने पास अवेलेबल तो है, हमेशा स्टॉक रहता है। स्टीयरिंग का बटन लग गया, यू लग गया, ठीक है। बाकी जो भी है मैं उस दूसरी वाली गाड़ी में दिखाता हूँ क्या क्या हुआ। इसमें वाइपर दिखाता हूँ पीछे, ठीक है। इसमें वाइपर अपना वर्किंग है, विद स्प्रेयर है, स्पॉइलर भी लगा है सोनू भाई, स्पॉइलर भी लगा है, और साथ ही साथ पिलर लाइट भी है इसके अंदर।
ठीक है, मतलब नॉर्मल ही है इसके अंदर काम? नहीं नॉर्मल नहीं है, हट गया है, कॉफी कलर अलग ही इंटीरियर दे रहा है इसके अंदर। थोड़ा सीट कवर में थोड़ी सीट कवर अलग है कुछ नहीं, देखा है तो सारा काम इसके अंदर हुआ है अलॉय व्हील अलॉय व्हील गाड़ी बॉडी में पेंट किया था, उस समय मैंने खुला हुआ गाड़ी दिखाया था बॉडी पेंट, ये देख सकते हो ये रहा। और सिर्फ इतना ही नहीं करते हम, साथ में देख सकते हो सिल्वर टचिंग भी करके देते हैं। ठीक है, ये जो स्कॉर्पियो ये सिल्वर में लिखा हुआ है, सिल्वर टचिंग करके देते हैं हम, इधर ही सिल्वर करके देते हैं। ठीक है, ये भी सिल्वर, हाँ साइड मिरर वाइज भी आप देख सकते हो इसके अंदर, इंडिकेटर के साथ है हाँ। और फ्रंट कंप्लीट S11, फ्रंट से बिल्कुल S11 बना दिया, फ्रंट कंप्लीट S11, इसमें हेडलाइट से ले लो, DRL, फॉग लाइट, ग्रिल, स्कीड सिल्वर, ये टोटली अगर लेते हो आप तो फ्रंट कंप्लीट S11 इसे हम बोलते हैं, रियर कंप्लीट S11 इसलिए नहीं बोलेंगे, डिफॉगर ये कमी रह गया, अंदर से भी S11 कंप्लीट नहीं बोलेंगे क्योंकि मीटर नहीं लगा इसके अंदर, सही है। तो यही एक दो कमी है, जैसे कि अंदर से एक कमी रह गया, पीछे से डिफॉगर की कमी रह गया, साइड से अलॉय की कमी रह गया, तीन चीजों की वजह से भी हम कंप्लीट S11 इसे हम नहीं बोलेंगे। हमारे यहाँ की कंप्लीट S11 डिफॉगर और बाकी क्रूज और क्लाइमेट छोड़ के बाकी सारा। ठीक है, फ्रंट से लुक देखो एक बार, बिल्कुल S11 है, थोड़ी सी माइनर चेंजेस है जो अपने रिम्स नहीं लगे और पीछे डिफॉगर नहीं लगा, ये जो आई प्रो है ना ये लगने के बाद तो इसकी गेटअप ही लगा, ये हेडलाइट ही बहुत अच्छी है, गजब की गेटअप आता है, जब रोड पे निकलता है ना तो ऐसा लगता है चीता जा रहा है। तो आज चावंडो ये बहुत जोश में क्योंकि बहुत नई चीज अनलॉक करी है, हाँ तो मैं दिखाता हूँ खुशी में। तो ये अपनी लास्ट कार S11, लास्ट नहीं बोल सकते इस गाड़ी को, इसको तो फर्स्ट होना चाहिए था, फर्स्ट होना चाहिए हाँ। तो लास्ट में इस वीडियो को मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ, इस गाड़ी को कवर इसीलिए कर रहा हूँ कि ये गाड़ी सबसे अनोखी गाड़ी रहने वाला है, और इस गाड़ी के अंदर जो फीचर लगा है जो हम दिखाने जा रहे हैं वो फर्स्ट टाइम इन इंडिया है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, फर्स्ट टाइम इंडिया दिखने वाला चीज, और ये फीचर में दो दो फीचर लेकर के आया हूँ, तो इस चीजों के लिए आपको वीडियो कंटिन्यू देखना है और मैं दिखाता हूँ क्या चीज रहने वाला है। ठीक है, तो पहले दिखाते हैं एक चीज, अभी तो फ्रंट से मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, साइड से देख लो कि अभी एक कैमरा देख के आप समझ गए होंगे क्या चीज है। 360 है जो फर्स्ट टाइम स्कॉर्पियो में लगा, इससे पहले स्कॉर्पियो में आप लगे हुए नहीं देखे होंगे, तो मैं अभी चालू करके सब दिखाऊंगा, तो बाहर सब इसके अंदर जो हम लगाए हैं इसके अंदर सिर्फ डोर वाइजर और एक पीछे हमारा होगा तो रिफ्लेक्टर लाइट, एक बम्पर पट्टा और सेफ्टी का लगा बस। ठीक है, बेसिक और कुछ भी नहीं, क्योंकि ऐसे नंबर ऑलरेडी है इसके अंदर आपको दिखाएंगे नहीं, अब दिखाता हूँ मैं इसका अंदर से, अंदर से चलते हैं इसके, अब आओ अंदर और दिखाता हूँ क्या चीज है, चलते हैं आप स्कॉर्पियो क्लासिक S11 के अंदर। तो पहले तो इसकी इंटीरियर पे ध्यान देना कि बिल्कुल एक बेसिक सी इंटीरियर है, इसकी जो गेटअप दिया हूं जो मैं बिल्कुल स्कॉर्पियो इन वाला दिया हूं तो आप देख सकते हो, तो ये इसके कुछ सीट कवर्स रहने वाले हैं, जो स्कॉर्पियो इन वाले लुक दिया हूं स्कॉर्पियो, देने की कोशिश किया हूं, अगर भाई को अच्छा लगे किसी को अच्छा लगे तो बिल्कुल ठीक है, फोटो पे आकर के आप ले सकते हैं, स्कॉर्पियो S11 छोड़ो इस मॉडल में भी आपको मिलेगा ये चीज। ठीक है, डोर आप देख सकते हो इसी के डिजाइन से हम डाले यहाँ पे वेलकम लाइट स्कॉर्पियो की, इसके अंदर जो फ्लोरिंग हमारा हुआ 90 का फ्लोरिंग हुआ, आप ये देख सकते हो 90 फ्लोरिंग पूरी गाड़ी में हाँ। और ऊपर मैट ये नॉर्मल हाँ। है, और म्यूजिक सिस्टम जो इसके अंदर लगा है, इसके अंदर पीछे हमारा पाइनियर का स्पीकर है, आगे मोरल का स्पीकर है इसके अंदर, आगे मोरल के ये देख सकते हो, यहाँ पे जूम करके दिखाओ इधर CCC। ठीक है, इसके ट्विटर की प्लेसमेंट हमने यही करी है। ठीक है, कंपोनेंटल गया, पूरी गाड़ी डैम्पिंग हुआ है, 5 डोर इसके अंदर। ठीक है, 5 डोर, अब मैं दिखाता हूँ आपको अंदर, आ जाओ उधर से, तो अंदर दिखाते हैं इसके। सो आ चुके हैं S11 के इंटीरियर की तरफ हाँ। तो इंटीरियर में कुछ दिखाने लायक तो है नहीं, सीट कवर देख सकते हो इधर, देखो कैप्टन सीट मॉडल है हमारे। ठीक है, कैप्टन सीट के सीट कवर्स इंस्टॉल करे हुए हैं इसमें हमने, अगर पसंद आता है तो आप लगवा सकते हैं बिल्कुल, S11 लेके एनी टाइम मिलेगा आपको। और जो फीचर इसके अंदर मैं लगाया हूँ, जो इसके अंदर स्क्रीन डाला हूँ, ये डाला हूँ एप्पल कार प्ले एंड्रॉयड ऑटो वाले। ठीक है, मतलब ओरिजिनल S11 की स्क्रीन हमने हटा दिया रिमूव कर दिया, इसमें एप्पल कार प्ले एंड्रॉयड ऑटो आपको दिख रहा होगा, ये फंक्शन आ चुका है, बच गया। मैं इसके अंदर दिखाने जा रहा हूँ 360 जो फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 360 इधर आइए, ये 360 देख रहे हो, पैनोरामा 360 पैनोरामा ये आ गया। अब इसके अंदर हम गए 2D में, ये लो, तो ये रही ये वर्ल्ड व्यू, पूरी लेन सब चीज दिखाएगा, पूरी गाड़ी का कवर करता हुआ आएगा, ये पूरा अपना 360 व्यू कवर कर रहा है, 360 व्यू कवर कर रहा है, साइड से भी पूरी व्हील टू व्हील दिख रहा है,
जहाँ पे आपको परछाई दिख रहा होगा ये हमारी पूरी लेन लेकर के चलेगा। ठीक है, ये लेन लेकर के उठाएगा वीडियो के अंदर हमें सर। तो पर्सनली हम राइट लेफ्ट देखना चाहे तो इसमें ही देख सकते हैं, सब चीज देख सकते हैं। देखो अच्छा, राइट का इंडिकेटर दिया, लेफ्ट दिया, तो लेफ्ट आ गया ना, लेफ्ट। और आपको व्हील टू व्हील दिखेगा इधर, व्हील टू व्हील। देखो अमान अभी यहाँ बगल से निकला, इसके जूते के नीचे होते हुए। ये देखो अमान, अमान का जूता बिल्कुल हमारी गाड़ी के नीचे से आ रहा है। तो ये अमान कैसा है? हेलो गाइस, वैनम भाई को सब्सक्राइब करो। चलो ये जो इंडिकेटर देंगे हम उस साइड का। हाँ ये लो, राइट साइड के मैंने दे दिया, राइट साइड का दिया। तो राइट साइड गाड़ी अपने पिछवाड़ा को उधर मोड़ लिया। तो आपको राइट साइड का व्यू पूरा दिख जाएगा। ये चलते हुए भी वर्क करता है? हाँ चलते हुए वर्क करता है ना। ठीक, अब ये फ्रंट पे आकर जैसे हम इंडिकेटर हटाएंगे तो ये फ्रंट पे आकर रुक गया। ठीक है, अब 10 सेकंड की करीब रहेगा और फिर वापस से अपनी जगह पे चला जाएगा। ठीक, अगर हम इससे रिवर्स लगाते हैं तो रिवर्स में रिवर्स व्यू आ गया, इधर रिवर्स व्यू आ गया, रिवर्स व्यू आ गया। और ये जो नीचे सारे मोड्स हैं ये किस लिए? ये हमारा चेक करने के लिए, जैसे कि ये देख लो आ गया हमारा, हमारे रियर व्यू हो गया। ठीक है, ये साइड व्यू हो गया, इधर साइड व्यू आ गया, ये दोनों एक साथ आ गया, इधर फ्रंट, आगे के दोनों टायर दिख रहे हैं, इधर राइट साइड की फेंडर लाइनिंग जैसे। मैं गाड़ी एक बार चाहूंगा भैया स्टीयरिंग काट के दिखाओ। ये इसलिए है ना, जैसे कि मान लो हमें गाड़ी पार्क कर रहे हैं आगे वाली टायर, ठीक है, तो ये देख सकते हो टायर, राइट साइड देख सकते हैं, राइट साइड के टायर देख लो, लेफ्ट साइड के टायर देख लो, ये लेफ्ट साइड का टायर आपको दिखेगा। इसकी जो सेटिंग हुआ है इस तरीके से हुआ है कि आपके दोनों टायर के एंगल देख सकते हो, बिल्कुल लेन में दिख रहा है, पार्क करने में भी काफी इजी हो जाएगा। तो ये मेन इससे बेसिकली इसलिए लगाया जाता है 360 की गाड़ी पार्क करने में हमारे को एक एक इंच की जगह इसमें दिखे। ठीक है, इसलिए होता है। मैं दोबारा 360 लाया, ये देख सकते हो पूरा व्यू दिखा रहा है हमारा, ये फ्रंट का हो गया डबल, तो काफी इजी हो जाता है पार्क वगैरह करने में। ये फ्रंट हो गया, ये पूरा अपना 360 व्यू दिखा रहा है। ये तो हो गई एक चीज। हाँ, अब दूसरी चीज दिखा रहे हैं अभी हम, तो देखते हैं चामुंडा भैया ने और क्या करा हुआ इसके अंदर। ये देख सकते हैं वायरलेस चार्जर, फर्स्ट टाइम इन इंडिया स्कॉर्पियो के अंदर। ये भी कर दिया बिल्कुल, मतलब इन इंडिया देख सकते हैं 60% पे चार्ज हो रहा है। S11 में भी काफी फीचर आपने तो और डाल दिए। हाँ, कंपनी नहीं देती है तो। S11 में कंपनी ने दिया हो, मैं करके दे रहा हूँ। और मैं क्या, जे ऑटो आपके लिए हमेशा खड़ा उतरेगा स्कॉर्पियो पे, स्कॉर्पियो N वाले भाइयों के लिए और 120-700 वाले भाइयों के लिए, मतलब तीनों को याद करते ही हो। हाँ, ये तीन गाड़ी ऐसा है, स्कॉर्पियो N पहले तो मेरा क्लासिक है, फिर 120-700, फिर N, मैं तीन गाड़ी का करता जा रहा हूँ। तीन गाड़ी वालों भाइयों के लिए मैं ऐसी ऐसी चीज आने वाला टाइम में भी लगाऊंगा और विश्वास के साथ खरा उतरेंगे। ये नहीं है कि कुछ भी ऐसे कर दिया, अगर आपकी गाड़ी पे हम कुछ लगाते हैं तो पूरी जिम्मेवारी के साथ लगते हैं हमारे को। अगर हमारा यहाँ पे वर्कशॉप खुला है तो ये पूरी एक तरीके से आपकी जिम्मेवारी को समझने के लिए किए हमने यहाँ पे, कि आप अगर गाड़ी 15-20 लाख रुपए का लेकर के आते हो हमारे विश्वास पे, एक वीडियो देख करके आते हो हमारे पास, तो आपकी गाड़ी पार्क सही से रहे, काम तरीके से हो, तसल्ली से। अगर 2 दिन के लिए आते हो तो गाड़ी हमारा वर्कशॉप के अंदर खड़ी रहे, काम हो, ये नहीं कि जल्दीबाजी में हम कुछ भी कर दिए। इन फ्यूचर आने वाला टाइम में और भी 1-2 गाड़ी के अंदर हम काम करने वाले हैं और कुछ अलग अलग चीज लेकर के आने वाले हैं, तो इसके लिए आपको चैनल पर बने रहना होगा। जो टॉप मॉडल में नहीं मिलता वो चामुंडा भैया कुछ नई नई चीजें अभी तो काफी स्कॉर्पियो में, अब थोड़ा सा हमने सारी स्कॉर्पियो दिखा दी। जो मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, हमने जो बोला वो एक तरफ, मेन होता है कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मजा आया। अभी तक हमने वीडियो देखी थी, सुना था, काम कैसा लगा आपको यहाँ? अच्छा लगा ओवरऑल। ठीक है, तो रेटिंग की बात करूँ 10 में से आप कितनी देंगे? 10 में से कितनी रेटिंग आप देने जा रहे हो आप बता दो। 10 में से 9 रेटिंग 10 में से 9 अच्छा है, लेकिन एक मार्क्स मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, टाइम कंज्यूमिंग था। बाकी कोई काम के रिलेटेड तो नहीं काटे? बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाकी सब सैटिस्फाइड थे। तो एक जो मेरा रिव्यू कटा है वो बाइक का टाइम की वजह से कटा है,
तो नई चीज हम इसमें करने जा रहे थे जिसके वजह से हमारा टाइम लगा है, तो आने वाला टाइम है वो भी हम कवर कर लेंगे। तो अगले ग्राहक से हम लेते हैं 10 रिव्यू, तो उसके लिए बाय बाय। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।